सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, अगर आप लोग भी पेटीएम पेमेंट बैंक चलाते हो और आप लोग जानना चाहते हो कि पेटीएम के कस्टमर केयर से बात कैसे करते हैं, पेटीएम का कस्टमर केयर का नंबर क्या है, टोल फ्री नंबर क्या है, जैसे कि हम अपनी कोई इंक्वायरी होती है और सपोज मानो डिपॉजिट विदड्रॉल कोई इशू हो जाता है, टेक्निकल इशू, कोई पैसे आपके हिलक जाते हैं, रुक जाते हैं, तभी आपके प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपको कस्टमर केयर से बात करनी है तो कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोग यही बताने वाला हूं। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए अब वीडियो को स्टार्ट करना है। आप लोग जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोफाइल मिलती है, आपको इस पर आ जाना होगा। इस तरीके से आने के बाद कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सपोज मानो आपको यहाँ पे देख मिला हेल्प एंड सपोर्टेड और पेटीएम सिक्योरिटी, ठीक है, और यहाँ पे यूपीआई एंड पेमेंट सेटिंग अदर एंड बैकिंग, ठीक है, और यहाँ पे कैशबैक ऑफर, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सही कई सारे ऑप्शन देखने मिलते हैं, मेन मुद्दा होता है, मेन ऑप्शन होता है आपको हेल्प एंड सपोर्ट पे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने आप पे क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद आपको टोल फ्री भी नंबर मिलेगा। अगर आप लोग अच्छे से टोल फ्री नंबर नहीं कर पाते हो, बात नहीं कर पाते हो, तो आप लोग चैटिंग से भी बात कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद सारे इंटरफेस यहाँ पे नज़र आ जाते हैं। आप लोग जैसा कि देख सकते हो हेल्प नीड, यहाँ पे चूज योर सर्विस यू हेल्प नीड विद, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको सपोज मानो पेटीएम KYC के रिलेटेड आपको इंक्वायरी देनी है तो यहाँ से क्लिक कर सकते हो। मैप प्रोफाइल से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है यहाँ पे है, वॉलेट से कोई इंक्वायरी है यहाँ पे, UPI एंड मनी ट्रांसफ़र से कोई प्रॉब्लम होती तो आपको यहाँ पे क्लिक करने, अपने हिसाब से जो भी आपकी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है आपको वो चूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आपको टोल फ्री नंबर यही करना होगा, टोल फ्री नंबर से ही बात करेंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम नेट सॉल्व, ठीक है। तो आपको इस पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से नीचे आएंगे और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने यहाँ पे आता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे बैंक वॉलेट एंड पेमेंट, ठीक है, बैंक वॉलेट एंड पेमेंट पे यहाँ पे कॉल्स का और यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कॉल्स अस, ठीक है, और यहाँ पे देखना ट्रैवल एंड हॉस्टल, ठीक है, ट्रैवल एंड हॉस्टल के वो एक रिकॉर्डिंग बात करनी है तो आपको इस पर क्लिक करना है। मेन पॉइंट मेरा होता है कि यहाँ पे कस्टमर केयर से बात करनी है, मैं वॉलेट से, बैंकिंग से और पेमेंट के रिलेटेड, ठीक है। तो आपको पहले नंबर पे ही क्लिक करना होगा। कॉल अस पे क्लिक किया, कॉल अस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कई सारे नंबर आ जाते हैं, तो फ्रेंड्स आपको ये नंबर है इसको डायल करना है, ठीक है। डायल करने के बाद आपको पेटीएम के एजेंट से बात होगी और मैं आप करने तो से मैंने आपको बता दिया। सिर्फ आप लोग इस तरीके से फॉलो करके आप लोग पेटीएम के कस्टमर केयर से ईजी तरीके से बात कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक इतना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।